सोनू सूद फाउंडेशन, विश्वास ट्रस्ट एवं आलम्बाह गुरुद्वारा निर्मल सिंह ने बढ़ाए मदद के हाथ। आपदा में सेवा के अवसर तलाशने वाली कौम है सिख महापौर संयुक्त भाटिया। लखनऊ में आज जहां आपदा में लोग कमाने के अवसर तलाशते हैं, वहीं सिखों को बिना मानवता की सेवा करना प्रशंसनीय है, यह बात शुक्रवार को आलमबाग गुरुद्वारा में संयुक्ता भाटिया ने कही। उन्होंने कहा, देश पर कभी भी कोई आपदा आई है तो गुरुद्वारों ने बढ़ चढ़ कर सेवा की है। गुरु नानक देव ने धर्म के साथ सेवा को जोड़ते हुए संगत और पंगत की व्यवस्था दी थी, जिससे कोई भी भूखा ना सोए। इस पद्धति को आज भी सिख समाज बखूबी निभा रहा है। गुरुद्वारा आलमबाग में कोरोना काल में ऑक्सीजन लंगर सहित अन्य सेवा कार्य कर मिसाल कायम की है। आलमबाग गुरुद्वारे में केंद्रीय सिंह सभा तत्वाधान में सोनू सूद फाउंडेशन, विश्वास ट्रस्ट एवं अन्य संगठनों की ओर से भेजे गए रायबरेली के 3 गाँवों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोरोना किट, 1000 राशन किट एवं अन्य वस्तुओं की गाड़ी को महापौर संयुक्ता भाटिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार निर्मल सिंह ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि सोनू सूद और कुमार विश्वास के साथ सेवा करने का अवसर मिला है। मैं मेयर साहब को दसना चाहूँगा, आज 10 सिलेंडर से कुमार विश्वास फर्स्ट हॉल जा रहे हैं और 5 सिलेंडर असी फिरोज गांधी गुरुद्वारा है आपके रायबरेली विच ओथे रहेंगे। ओथे रायबरेली सेंटर की शहर की सेवा वास्ते ऑक्सीजन सिलेंडर उत्थे शुरू कर रहे हैं और नौ असी शुरू कर चुके हाँ, सीतापुर असी भेज चुके हाँ। अज कल जिहड़ा है उत्थे दे DM साहब गुरुद्वारा पहुँच के उहदा उद्घाटन करेंगे सेंटर का, ताकि रायबरेली शहर के अंदर जिन्हों ऑक्सीजन की लोड़ है वो उत्थों दी लै सकन। उत्थे सरदार अवतार सिंह छाबड़ा जिहड़े उत्थे दे प्रधान हैं वो रायबरेली वाले गुरुद्वारे तो यह सारा कोऑर्डिनेट करेंगे, तो जिहड़े पिंडां विच बार बार सिलेंडर खाली हो जाएंगे उत्थों दी उह सिलेंडर उत्थों मंगवा के रिफिल करके दोबारा उन्हां गाँव में पहुँचाण की सेवा जिहड़ी है अवतार सिंह छाबड़ा ते उन्हां दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रायबरेली वाले वीर उत्थे देख करांगे। हुण मैं बेनती करांगा माननीय मेयर साहब नूं कृपा करके आओ ते सासी होर इन्हां कामां नूं किस तरीके नाल अच्छी तरीके नाल कर सकते हैं और जिहड़े रील हीरो होंदे हुए भी समाज के रियल हीरो बने हैं सोनू सूद ते कुमार विश्वास जी और सोनू जी, उनके लिए भी आशीर्वाद वचन देने हैं, उनके लिए भी अरदास करनी है कि परमात्मा उनके ऊपर भी कृपा करके उनको स्वस्थ रखे और इसी तरीके से समाज की सेवा ले पाए। द्वारा आलमबाग सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जो कि एक सेवा का कार्य है और इस गुरुद्वारा आलमबाग हो या अन्य गुरुद्वारे हो, सभी गुरुद्वारों में गुरु नानक देव जी ने जो एक प्रथा चलाई थी, सेवा का भाव दिया था, उस सेवा के भाव को लेकर सारे गुरुद्वारे इस समय कार्य कर रहे हैं। लेकिन आलमबाग गुरुद्वारा में, क्योंकि मैं यहाँ आलमबाग में रहती हूँ और आलमबाग गुरुद्वारे में निर्मल सिंह जी जब से प्रधान बने और जब प्रधान नहीं थे तब भी प्रधान साहब दूसरे थे, लेकिन तब भी आप कार्य कर रहे थे, आपके साथ मिलकर कार्य करने का हर कार्यक्रम में यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस तरह से आप सब लोग पूरी टीम निर्मल सिंह जी की टीम मिलकर इस तरह से यहाँ सेवा का कार्य कर रही है, गुरु नानक देव जी की कृपा से उनके चलाए रास्ते पर संगत और पंगत की जो उन्होंने प्रथा चलाई थी, कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, उस प्रथा को आगे बढ़ाने का कार्य आप बखूबी कर रहे हैं और आपके इस कार्य में आपकी पूरी टीम जो यहाँ पर लगी है उसका विशेष रूप से आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं अनुपम श्रीवास्तव जी का, जो हिंदुस्तान से हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर, आज निर्मल सिंह जी हमेशा यहाँ पर मुझे हर कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और चूँकि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गुरुद्वारे के पास ही मेरा घर है और मुझे हर समय आपके साथ आने का अवसर प्राप्त होता है। सेवा का कोई भी कार्य हो, सेवा के कार्य करने में गुरुद्वारा का पूरी टीम हमेशा आगे लगी रहे, सेवा का कार्य बढ़कर करती है और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है कि मुझे भी उसमें एक अवसर प्राप्त होता है कि मैं भी अपना कुछ अंशदान उसमें कर सकूं। मेरी तरफ से भी कुछ जो सेवाएं शासन के द्वारा होनी है उसमें मेरा सहयोग प्राप्त हो सके, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अनुपम श्रीवास्तव जी ने जैसा कि अभी बताया कि किस तरह से उन्होंने कुमार विश्वास जी से और सोनू सूद जी के द्वारा माध्यम से यहाँ पर जो गांव उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, उन गांवों में
अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस तरह से उन्होंने अपना नंबर दिया है और किस तरह से वो सेवा प्रदान कर रहे हैं उसके लिए मैं विशेष रूप से उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की चिंता करते हुए पूरे राष्ट्र की चिंता करते हुए जो कार्य शुरू किया है उसमें लखनऊ को भी, क्योंकि लखनऊ की महापौर हूँ और लखनऊ को उन्होंने एक अपनी सेवाएं प्रदान करने का कार्य किया उसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। और जो यहाँ से सेवा का कार्य इस गुरुद्वारे के माध्यम से हो रहा है उसकी पूरी टीम जो आपके साथ यहाँ पर लगी उस पूरी टीम का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ। लखनऊ शहर में जब भी कभी कोई सेवा का कार्य होता है तो गुरुद्वारा सबसे पहले आगे आकर उस कार्य को पूरा करता है, इसके लिए मुझे बड़ा मैं आपका गुरुद्वारे की पूरी टीम का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा इस कार्य में आगे रहते हैं। कोरोना के काल में जब जैसे भी किसी को कोई आवश्यकता पड़ी, जब भी किसी ने कुछ आवश्यकता किसी को कुछ आवश्यकता हुई और मैंने उनको निर्मल जी के पास भेजा और वो कभी यहाँ से खाली नहीं लौटा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है गुरुद्वारा हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। और अनुपम श्रीवास्तव जी का विशेष पुनः आभार प्रकट करते हुए जो आज यहाँ से सेवाएं किट प्रदान की जा रही है, यहाँ से सिलेंडर की सेवाएं दी जा रही हैं, ऑक्सीजन की सेवाएं दी जा रही हैं और भोजन की व्यवस्था राशन किट दी जा रही है और दूसरी दवाइयों की किट दी जा रही है, सभी चीज़ों का यहाँ से शहर में तो आपका कार्य बराबर चल ही रहा है। लेकिन अभी जैसा कि निर्मल सिंह जी ने बताया कि उन्नाव जिले में भी और सीतापुर में भी और हरदोई रोड पर भी और यहाँ पर कई जगहों पर आपने आसपास के जिलों को भी लिया है रायबरेली में